What's up guys? Guys, आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो GTA 4 पर होने वाला है। Guys, आप लोगों ने नोट किया होगा कि हमारे GTA 4 के अंदर एक ऐसा वेपन है जो हमने ऑलमोस्ट हर GTA गेम के अंदर यूज किया है, बट हमारे GTA 4 के अंदर वो वेपन नहीं है और वो वेपन है हमारा मिनी गन। आप लोगों ने अपनी GTA San Andreas, GTA Vice City और GTA 5 के अंदर मिनी गन को देखा होगा, उसको यूज भी किया होगा, बट हमें GTA 4 के अंदर कहीं पर भी मिनी गन देखने को नहीं मिली। तो आज की वीडियो में हम लोग अपने GTA 4 के अंदर एक रियलिस्टिक मिनी गन को ऐड करने वाले हैं और इस मोड को इंस्टॉल करने के बाद आपकी GTA 4 के अंदर निको मिनी गन का यूज कर पाएगा एज लाइक GTA San Andreas एंड GTA 5। तो मैं यहाँ पर आपको GTA 4 के मिनी गन का थोड़ा सा शोकेस दे देता हूँ, यहाँ पर आप लोग चेकआउट करो। तो गाइस, हमें GTA 4 का जो मिनीगन मॉड है वो कुछ इस टाइप का दिखाई देता है जैसे आप लोगों ने गेम प्ले में देखा। तो अब बात कर लेते हैं कि इसको हम लोग किस तरीके से अपनी गेम के अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं। तो उससे पहले वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी से कर दो ऐसी गेमिंग वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए। बिना टाइम वेस्ट के आज इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो गाइस, डिस्क्रिप्शन में जो आपको फर्स्ट लिंक मिलेगी आप लोग उस पर क्लिक करने हैं, देन आप लोगों ने मिनीगन वी स्टाइल मोड को यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आप लोगों ने उस फोल्डर में आ जाना है जहाँ पर आप लोगों ने अपने मोड को डाउनलोड किया है। तो ये मेरा मोड का फोल्डर है जहाँ पर हमारा जो मोड है वो डाउनलोड हुआ है। तो यहाँ पर मोड की फाइल पे आप लोगों ने राइट क्लिक करके इसको एक्सट्रैक्ट कर लेना है। एक्सट्रैक्ट करने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने एक्सट्रैक्टेड फोल्डर में आ जाना है जो हमारे मोड का फोल्डर है और इस फोल्डर को एक साइड पे लगा देना है और दूसरी साइड पे आप लोगों ने ओपन आईवी को स्टार्ट कर लेना है। ओपन आईवी को स्टार्ट करने के बाद ये 5 सेकंड में आपका जो ओपन आईवी है यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा। आप लोगों ने अब क्या करना है, आप लोगों ने GTA 4 पे क्लिक कर देना है एंड देन आपका जो ओपन आईवी है वो यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा। इसके स्टार्ट होने के बाद आप लोगों को अपर राइट कोना में एडिट मोड का बटन दिखेगा, तो आप लोग उस पर यस कर देना है एंड देन आप लोगों ने टूल्स के बटन पे क्लिक करना है एंड देन आप लोगों ने पैकेज इंस्टॉलर पे क्लिक कर देना है। पैकेज इंस्टॉल पे क्लिक करने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने मोड के फोल्डर के अंदर एड्रेस को कॉपी करना है एंड पैकेज इंस्टॉलर की डायरेक्टरी में आकर इसको पेस्ट कर देना है कुछ इस तरीके से। पेस्ट करने के बाद आप लोगों ने एंटर प्रेस करना है, देन यहाँ पर आप लोगों ने मिनीगन वी स्टाइल ओएवी वाली फाइल को सिलेक्ट कर लेना है। इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप लोगों ने इंस्टॉल के बटन पे क्लिक करना है और यहाँ पर अगर आपके गेम के अंदर स्क्रिप्ट को इंस्टॉल नहीं है तो आप लोगों ने इसको इंस्टॉल कर लेना है, अदरवाइज आप लोगों ने डायरेक्ट मिनीगन को इंस्टॉल करना है। मेरी गेम में ऑलरेडी इंस्टॉल है तो मैं यहाँ मिनीगन पे क्लिक करूंगा एंड देन इसको इंस्टॉल कर लूंगा और हमारा जो मोड है वहाँ पर इंस्टॉल होना स्टार्ट हो चुका है। और ऐसी स्क्रीन आने के बाद आपकी गेम के अंदर मिनीगन इंस्टॉल हो चुकी है, बट मिनीगन अभी भी कंप्लीट तरीके से इंस्टॉल नहीं हुई है, एक स्टेप अभी भी बाकी है। तो यहाँ पर आप लोगों ने इसको क्लोज कर देना है एंड देन एडिट मोड को डिसेबल करके इसको मिनिमाइज कर देना है। इसको मिनिमाइज करने के बाद आप लोगों ने अपनी GTA 4 के मेन डायरेक्टरी में चले जाना है। तो यहाँ पर मैं अपनी GTA 4 के मेन फोल्डर में आ जाता हूँ और ये हमारे GTA 4 का मेन फोल्डर यहाँ पर आ चुका है। अब आप लोगों ने कॉमन के फोल्डर में आना है एंड देन डेटा के फोल्डर में आना है और यहाँ पर आपको एक फाइल देखने को मिलेगी weaponinfo.xml। ये हमारी फाइल है, इस पर आप लोगों ने राइट क्लिक करके एज एडिट यहाँ पर इसको ओपन कर लेना है। इसको ओपन करने के बाद आप लोगों ने सबसे नीचे यहाँ पर आ जाना है, बिल्कुल स्क्रॉल करके सबसे नीचे आना है और यहाँ पर आप लोगों ने मोड के फोल्डर में आपको एक फाइल दिखेगी रीडमी मैनुअल, तो आप लोगों ने इस पर राइट क्लिक करके इसको ओपन कर लेना है। इसके अंदर आपको एक लाइन देखने को मिलेगी, ये वेपन टाइप एपिसोडिक 24, तो यहाँ से आप लोगों ने एंड तक सिलेक्ट करके इसको कॉपी कर लेना है एंड देन आप लोगों ने अगेन से वेपन इन्फो में आकर यहाँ पर वेपन के नीचे इंटर प्रेस करके यहाँ पर आप लोगों ने इसको पेस्ट कर देना है कुछ इस तरीके से, यहाँ पर पेस्ट कर देना है एंड देन यहाँ पर फाइल पे क्लिक करके इस फाइल को सेव कर देना है और आपकी गेम के अंदर मिनीगन मोड इंस्टॉल्ड हो चुका है। तो गाइस, मिनीगन को स्पॉन करने के लिए आपको जरूरत पड़ेगी सिंपल ट्रेनर की, तो सिंपल ट्रेनर को आपको अपनी गेम के अंदर इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद आप लोगों ने F3 प्रेस करके इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आप लोगों ने वेपन्स में आना है और वेपन्स में आने के बाद आपको यहाँ पर एक लाइन देखने को मिलेगी सिलेक्ट एपिसोडिक वेपन इंक्रीज एंड डिक्रीज, तो आप लोगों ने इंक्रीज करना है। सिलेक्ट एपिसोडिक आईडी भी यहाँ पर आ रही है और यहाँ पर आप लोगों ने जाना है एपिसोडिक 24 के अंदर, तो यहाँ पर आप लोग स्क्रॉल कर सकते हो 4 और 6 से। 24 पे आने के बाद आप लोगों ने नंबर पैड 5 को प्रेस करना है, आपकी मिनीगन स्पॉन हो जाएगी। तो यहाँ पर अभी हम लोग मिनीगन का थोड़ा सा टेस्ट देते हैं फायरिंग वगैरह करके, आप लोग चेकआउट कर सकते हो उसका डैमेज और रैपिड फायर कितने ज़्यादा है, कितना ज़्यादा मज़ा आ रहा है मिनीगन चलाने में। थोड़ी सी बुलेट में हमारी जो कार है वो एक्सप्लोड हो रही है, यहाँ पर आप लोग चेकआउट कर सकते हो। बाकी आप लोग इसका गेम प्ले एंजॉय करो। तो गाइस, ये थी आज की एक सिंपल सी वीडियो जिसकी हेल्प से आप लोग अपनी GTA 4 के अंदर मिनीगन को इंस्टॉल कर सकते हो। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर से करो और चैनल पर नए हो चाहे को सब्सक्राइब करो, साथ में बेल आइकन भी दबाओ और मुझे कमेंट करके जरूर से बताया करो कि आप लोगों को किस टाइप का कंटेंट पसंद है। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज एंड गुड बाय।